एंड गुड इवनिंग बच्चा सब। तो मैं फिर से आप लोगों को स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गार्डन में। तो बच्चा लोग, आप सब ने सब्जेक्टिव की क्वेश्चंस देखी थी जो कि साइंस की है, जो 18 तारीख क्लास टेंथ वालों के लिए, जो कि 18 फरवरी को होने वाला एग्जाम साइंस का, आप लोगों ने MBBI क्वेश्चन जो कि आपका सब्जेक्टिव का था वो आपने देखा था। आप लोगों ने कमेंट किया कि सर हमें ऐसे ऑब्जेक्टिव का वीडियो ला करके दीजिए, तो हम ऐसे ऑब्जेक्टिव का वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं। देखो, एक ऑब्जेक्टिव का वीडियो मात्र 5 से 6 मिनट का होगा, लेकिन हाँ, ऐसा वीडियो जरूर होगा कि आप लोग के लिए हेल्पफुल हो, एग्जाम में वो क्वेश्चन आने के संभावनाएं हो, वो क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही वीडियो बनेंगे, मात्र और मात्र 5 से 6 मिनट का है। आप लोग अपना समय दे देना, ये पार्ट 1 से लेकर 10 तक चलेगा। हर एक वीडियो आपका 5-10 ऑब्जेक्टिव उसमें आपका इंक्लूड रहेगा। टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, 1 से लेकर 10 तक, 10 से लेकर 11 तक, 11 से लेकर 20 तक, ऐसे करके आप लोग के ऑब्जेक्टिव ऐसे उसमें इंक्लूड होंगे। 10 वीडियो आएगा आपका 18 फरवरी के पहले पहले आपको ऐसे वीडियो की तैयारी करा दी जाएगी, आपको ऐसे ऑब्जेक्टिव का तैयारी करा दिया जाएगा जो कि आपका साइंस का ऐसे एग्जाम होने वाला है। तो ये पार्ट नंबर 1 है, ये पार्ट 1 है जो कि आप अभी देख रहे हैं। तो देख सकते हैं कि पार्ट 1 से लेकर 10 तक है, तो ये पार्ट नंबर 1 है जिसमें 10 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बताया जाएगा, 10 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बताया जाएगा। तो आप लोग से बस रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, बस 5 से 6 मिनट की वीडियो है, आप लोग पूरा देख जाइएगा और अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अभी समय नहीं है आप लोग के पास कि नए नए टॉपिक के ऊपर, अभी आप लोग के पास सिर्फ और समय है तो रिविजन कीजिए। जो आप लोग क्लास टेंथ वालों जो एग्जाम देने वाले हो, तो आप लोग बस रिक्वेस्ट है आप लोग से कि जितना हो सके रिविजन कीजिए, जो पढ़ा आपने उसको याद कीजिए ताकि आप लोग इसे एग्जाम अच्छे से दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, 10 ऑब्जेक्टिव देखेंगे। आप लोग से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा। और ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आप लोग कमेंट करना, जल्दी से जल्दी ऐसे आ जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। अवतल दर्पण की फोकस ध्रुव इसकी वर्गता त्रिज्या की होती है। काफी इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो अवतल दर्पण की फोकस ध्रुव जो है उसकी वर्गता त्रिज्या की कितनी होती है, आधी होती है, दुगुनी होती है, कितनी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका बी, आधी। ठीक है, तो अवतल दर्पण की फोकस ध्रुव जो है उसकी वर्गता त्रिज्या की आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। आप लोग बताइए, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है, यानी कि बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा होता है, कैसा होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आप लोग बताइए, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब या फिर दोनों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका वास्तविक प्रतिबिंब। तो सिनेमा के प्रतिबिंब पर जो है, यानी कि सिनेमा के पर्दे पर जो है आपका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, यानी कि आपका ऑप्शन ए नंबर राइट होगा। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? आप लोग बताइए, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों जितना कि आप लोग पढ़े हैं, यह क्वेश्चन लगभग हर बार पूछता है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, उत्तल। तो मानव नेत्र में, यानी कि मानव का जो आंख होता है, मनुष्य का आंख में उत्तल लेंस पाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? आप लोग बताइए, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ जो है सबसे अधिक होता है, बैंगनी रंग, हरा रंग, किस रंग? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका लाल रंग। तो प्रकाश के लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तारों का टिमटिमाना वायु माध्यम के किस गुण पर निर्भर करता है? आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि तारों का जो चमकना है वो वायु माध्यम के किस गुण पर निर्भर करता है? इसका राइट आंसर होगा ऊपर से नीचे की ओर वायु की अपवर्तनांक बढ़ता है, यानी कि वो गुण क्या है, ऊपर से नीचे की ओर वायु की अपवर्तनांक बढ़ता है, इसी पर तारों का टिमटिमाना वायु माध्यम के इसी गुण पर निर्भर करता है। तो आपका ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन आपको नहीं आया आप स्क्रीनशॉट या फिर नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, विद्युत शक्ति का SI मात्रक है। दोस्तों आप लोग बताइए, विद्युत शक्ति का SI मात्रक कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा आपका वाट। तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक जो है वाट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? आप लोग बताइए, एमीटर को हम लोग विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों श्रेणीक्रम। तो हम लोग एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणीक्रम में जोड़ते हैं, यानी कि सीरीज में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? आप लोग बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत फ्यूज जो है वो विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव या फिर रासायनिक प्रभाव? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ए, ऊष्मीय प्रभाव। तो विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, यानी कि राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है
जिसमें, तो आप लोग बताइए चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें क्या होती है, परिमाण होती है, दिशा होती है या फिर दोनों होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका सी, परिमाण और दिशा दोनों होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र में जो है ये दोनों होती है, परिमाण भी होती है और दिशा भी होती है। चलिए अपने इस क्वेश्चन